जय भोले। अभी हम परिक्रमा करके पूरे आ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। और आज का जो दिन है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिस दिन में सिर्फ हम 5 लोग ही इस कैलाश पर पहुंचे हैं। और ये आखिरी दिन है कैलाश स्नान का, और कैलाश हर कैलाश का, जितने भी कैलाश हैं हमारे 7 कैलाशों का, आज ये आखिरी स्नान होता है। हमारे इसे लोकल भाषा में साझा भी बोलते हैं, तो एक आज साझा होता है हमारा। तो उस दिन ये स्नान बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो आज हम स्नान करेंगे दूसरे पहर में, उसको बोलते हैं ताल को काटना। और हमारे बाद इस झील पे इस साल कोई भी नहीं आएगा, अगली ही साल अगर कोई आएगा तो वो अगले ही साल यहाँ पर दर्शन करेगा, और यहाँ पर जो स्नान करेगा वो अगली साल ही होगा। और हम ही यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं जो यहाँ पर शाही स्नान करेंगे हर हर और महादेव। आखिरी स्नान। देख रहे होंगे आप कि यहाँ पहले लोग आ चुके हैं और यहाँ पर दर्शन करके चले गए हैं। लोग यहाँ पर पूरा उन्होंने व्यवस्था रखी हुई है, बल्कि यहाँ पर राजमा चावल भी अभी उन्होंने शायद ज़्यादा हो गया, उन्होंने यहाँ गिराया हुआ है। तो देख रहे होंगे आप, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर बना रखा है भक्तों के लिए, रहने के लिए बहुत से यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोहे का ही स्ट्रक्चर पूरा खड़ा किया गया, जिसके ऊपर बाद में चादरों को लगाया जाता होगा। और बहुत ही शाही रूप से यहाँ पर रहने की पूरी व्यवस्था है। और भोलेनाथ जी की शिवलिंग को भी एक पत्थर पर, बड़े ही बड़े से अच्छे शिला शिला पर स्थापित किया गया है। और विध झंडा जब आप देख रहे होंगे, और हमारे नंदी जी महाराज भी अपने इष्ट की ओर मुंह रखे हुए हैं और पूरी तरह से विराजमान है, जय शंकर की। और हमारा त्रिशूल तो आप देख रहे होगी, नाग जो हमें शिवलिंग पर नाग दिख रहा है, यही हमारे वासुकी नाग जी का प्रतीक है। और यही वो नाग है जो हमारे भोलेनाथ जी के गले में प्रत्यक्ष रूप से हमेशा रहते हैं। और ओम जय भोले, दर्शनम। जय शंकर।